हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई क्रिएटिविटी के साथ। गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पोस्टर, इसी को हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक सॉलिड ले लूंगी जिसे मैं कलर वाइट दे दूंगी। और इसके बाद गाइज, हमें बैकग्राउंड के लिए इस इमेज का यूज करना है, तो इसको मैं लेके आऊंगी। इसको यहाँ पे हम अच्छे से सेट कर देंगे। और जैसे मुझे ये ऊपर का पार्ट खाली लग रहा है, तो मैं इसी की एक कॉपी लूंगी और इसे मैं फ्लिप कर लूंगी वर्टिकली, और इसको मैं ऊपर करूंगी। और हम अभी सेट कर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी। और इनको मैं स्मार्ट टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगी। और गाइज, इसके बाद अब मैं अपनी ये वाली इमेज लूंगी। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मैं इसमें एक सर्कल लूंगी और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। और इसे हम इमेज के नीचे ले जाएंगे। इस इमेज को मैं क्लिप कर दूंगी सर्कल में और यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, इनको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूंगी और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगी। और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। साइज थोड़ा सा बड़ा रख लेती हूँ। अभी मुझे जैसे ठीक लगा मैंने वैसे रख दिया। बाद में हम अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना ऑब्जेक्ट ले जाती हूँ, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट पे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ध्यान सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जाए जिसे हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। ये सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए है और हमें इसको ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूंगी। मैं 16 कर लेती हूँ इसको। ओके, ये है, तो इसको भी मैं लेके आ जाती हूँ। इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगी। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, और गाइज, अब हम सारी चीजें लेके आ गए हैं। अब मुझे इसको, इस पोस्टर को थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रेश। हम अलग अलग लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब हमें इसमें इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो मैं चाहूंगी कि इसको इसका फॉन्ट चेंज कर दूं। मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे पॉपिंस, और पॉपिंस में हम ले लेते हैं सेमी बोल्ड, ठीक है। और गाइज, मैं चाहूंगी यहाँ पे मैं एफ को स्मॉल में लूं, क्योंकि गाइज मैं चाह रही हूँ कि मैं सेम यही वाला टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करूँ, तो मैं इसको स्मॉल में रख रही हूँ। और इसकी साइज हम 24 रख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी साइज को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी।
और फिर स्टोरी इसकी साइज को देख लेते हैं हम। सही है। और मैं जूस को भी मैं सेम यही फॉन्ट दूंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, इसी की एक कॉपी लेती हूँ और यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेप क्रिएट करूंगी स्क्वायर में, और मैं इसको कलर दे दूंगी रेड कलर, और इसे मैं क्लिप करूंगी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। और गाइज मुझे ये आर पे चाहिए, तो मैं आर पे इसको सेट कर लूंगी, और मैं शिप की हेल्प से इसको थोड़ा सा आस पास कर लूंगी। ओके। इसके बाद गाइस अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें उसको रियलिस्टिक दिखाना है, तो अब हम एक न्यू लेयर लेंगे। इसको मैं शेडो के लिए मैं ब्लैक मैं डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट करूंगी, और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करूंगी। और जैसे कि सबसे पहले तो मुझे एक लाइट सोर्स देनी है, जैसे कि गाइस हमारी जो स्ट्रॉबेरी है इसमें शेडो इस साइड से आ रही है और इस साइड से लाइट आ रही है, तो हमारी शेडो पीछे साइड जा रही है, तो मुझे लाइट का सोर्स इस साइड से ही देना है। तो मैं यहाँ पे एक लेयर लूंगी, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कलर से ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करूंगी, और एक्सप्रेस करके मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगी। ब्रश की हार्डनेस को मैं बिल्कुल कम कर लूंगी, और यहाँ से मैं थोड़ी सी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूंगी यहाँ पे। इसके बाद गाइज अब मैं एक न्यू लेयर और लूंगी यहाँ पे, और इसको मैं क्लिप करूंगी अपनी बॉटल के साथ। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर और लूंगी, इसको क्लिप करूंगी, और यहाँ से मैं हार्डनेस को बढ़ा दूंगी, थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, और यहाँ पे मैं वाइट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे पेंट करूंगी, और इसको मैं यहाँ से ओवरले कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट का इफेक्ट आया है। और इसके बाद मैं एक न्यू लेयर और लूंगी, इसको भी क्लिप करूंगी, और यहाँ पे भी मैं साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगी, और यहाँ पे बिल्कुल एजेस पे मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ करूंगी, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। अब इस साइड से लाइट आ रही है, इस साइड हमारी शेडो बनेगी, तो मैं एक न्यू लेयर और लूंगी, इसको भी मैं क्लिप करूंगी, और ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं, और शेडो के लिए मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूंगी, और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे भी मुझे हल्का सा चाहिए, तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, और इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। गाइस अब हमारी ऊपर की शेडो बन गई है, अब ये रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे नीचे भी एक शेडो चाहिए, जैसे कि हमारी स्ट्रॉबेरी पे आ रही है एक शेडो, तो वहाँ पे मुझे बॉटल के नीचे भी चाहिए, तो मैं एक न्यू लेयर और लूंगी, और यहाँ पे मैं ब्लैक ब्रश की हेल्प से हार्डनेस को 0 रखूंगी, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी एक शेडो, और इसको मैं हमारी लाइट सामने से आ रही है तो शेडो पीछे साइड बनेगी हमारी, तो थोड़ा सा ऐसे करके सेट कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसी की एक कॉपी लूंगी, इसको मैं फ्लिप करूंगी वर्टिकली, और इसे मैं नीचे ले आऊंगी। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। थोड़ा सा और कम करूंगी। और गाइस जैसे यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रही इतनी, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो दूंगी।
इसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैं यहाँ से अपना लोगो ले आऊंगी और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूंगी। गाइस शेडो आ रही, तो लोगो भी उसी के शेडो में ही जाएगा, तो मैं इसको शेडो के नीचे ले आऊंगी। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी, एरो की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूंगी। और इसके बाद ट्रेंडी इमेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ और इसका फॉन्ट मैं पॉपिंस ही लूंगी। ओके गाइस, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ, शायद अच्छा लग जाए। तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूंगी। यहाँ पे मैं एक न्यू सॉलिड लूंगी, इसको मैं यहां से इन्वर्ट कर लूंगी और मैं ब्रश में जाके दूसरा ब्रश में सेलेक्ट करूंगी। इसको मैं यहाँ पे साइज थोड़ा सा छोटा रखूंगी और इसको इसको मैं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है ये वैसे। और ये टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इन्हें मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगी इसको मैं। ओके गाइस, मुझे इन दोनों का कलर सेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक कलर मिक्सर लूंगी और यहाँ से मैं मैच करूंगी कलर को। इसको मैं पहले क्लिप कर लेती हूँ और इसके बाद हम मैच करेंगे। ओके, और इसी के बाद मैं एक न्यू लेयर और लूंगी, इसको मैं क्लिप करूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा शेडो बना दूंगी मैं। यहाँ से ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओके, और गाइस इसके बाद मैं यहाँ भी नीचे भी एक शेडो बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगी और यहाँ पे मैं मुझे ऊपर भी चाहिए, तो मैं ऊपर भी हल्का सा कर दूंगी। और फाइनल में यहाँ पे एक कर्व लूंगी और यहाँ पे मुझे कलर थोड़ा सा मेरे लोगों को थोड़ा सा छोटा करूंगी। फाइनल में यहाँ पे हमारा लोगो लेके आ जाऊंगी और इसको मुझे क्लिप नहीं करना है, इसको मैं सबसे टॉप पर ले जाऊंगी और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूंगी।
यहाँ पे मैं शेडो। शेडो दूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, और जो मेरा मेरी बॉटल है उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगी, उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूंगी, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी। ओके, मेरे टेक्स्ट हैं इसको मैं ग्रुप कर लूंगी, और यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये हमारा फाइनल पोस्टर रेडी है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।